हेलो टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। आज है 6 दिसंबर 2020। क्या कहते हैं, आज था RSMSSB का पेपर, राजस्थान जेई का पेपर। तो हम लोग उसका आज हम लोग देखेंगे GS पार्ट। तो हम लोग GS पार्ट इसका देख लेते हैं। आंसर की आपको मिल सकती है यहाँ पर GS पार्ट की 1 to 40 क्वेश्चन। तो GS क्या थे, बाकी जो आए थे वो टेक्निकल थे। तो कहते हैं हम लोग GS पार्ट देख लेते हैं इसका। GS पार्ट तो आप अपने अपने क्या कहते हैं पेपर्स निकाल लीजिए, आप अपना अपना स्कोर चेक कर सकते हैं इससे। तो क्या कहते हैं, थैंक यू। चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का आंसर्स पार्ट। तो पहला क्वेश्चन आया था, द करंट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। तो कहते हैं साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कहते हैं नाम लिखे थे डिस्ट्रिक्ट्स के, उनका आंसर बताना था। तो इसका आंसर था ऑप्शन डी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और बूंदी। इसका आंसर था ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज लोकेटेड एट द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ द अरावली हिल्स। कौन सा क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एंड में है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एंड क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। नॉर्थ ईस्टर्न एंड, ये नॉर्थ ईस्टर्न एंड अरावली हिल से कौन सा पड़ता है। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, पोटवार। पोटवार आंसर था इसका। थर्ड क्वेश्चन था, क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम से मिलती है कौन सी रिवर। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, कुंतल। कुंतल आंसर था ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एक्सपीरियंस हाईएस्ट डस्ट स्टॉर्म इन द मंथ ऑफ मई जून। मई जून में सबसे ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म कहाँ आती है। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, श्री गंगानगर। इसका आंसर था ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन था, रेड लोमी सॉइल इज रिच इन। रेड लोमी सॉइल जो होता है वो किस में रिच होता है। आंसर था ए, आयरन ऑक्साइड में रिच होता है। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू आईकार क्या कहते हैं ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कि कितने परसेंट। ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका क्या आंसर आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से बी है शायद, क्या कहते हैं ऑप्शन बी आंसर है सिक्स का। चलिए आगे देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन, वॉट फाइन सॉल्ट इज एक्यूमुलेटेड बाय द साउथ वेस्ट विंड ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द बेड ऑफ द सामर लेक लेक एरिया। सामर लेक एरिया से कौन सा पड़ता है, उसे कहते हैं पान, पान सॉल्ट। ए सेवन्थ का ए आंसर था। द हाइएस्ट पीक ऑफ उदयपुर जो राजसमंद अरावल हिल्स है, उदयपुर राजसमंद अरावल हिल्स, उसमें क्या कहते हैं कहाँ पे है हाइएस्ट पीक उसका। तो ऑप्शन क्या कहते हैं एट का आंसर था ऑप्शन बी, जरगा। नाइन्थ क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया की कौन सी डिस्ट्रिक्ट दो स्टेट्स ऑफ इंडिया को टच नहीं करती, दो स्टेट्स को टच नहीं करती। तो नाइन्थ का आंसर था ऑप्शन सी, डूंगरपुर। डूंगरपुर आंसर था। 10th था, विच लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से सराउंडेड है। तो 10th का आंसर था ऑप्शन ए, नगौर। नगौर आंसर था। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन था, सेंट्रल शीप और वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है क्या कहते हैं राजस्थान में वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, टोंक में। 12th का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज सिचुएटेड इन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डैम भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका आंसर था ए, क्या कहते हैं ऑप्शन ए, क्या कहते हैं कि मेजा में पड़ता है। 13th क्वेश्चन था, विच सोर्सेज ऑफ इरिगेशन अकाउंट फॉर मैक्सिमम इरिगेशन इन राजस्थान, कौन सबसे मैक्सिमम इरिगेशन किस सोर्स ऑफ इरिगेशन अकाउंट से सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है राजस्थान। तो इसका आंसर था कहते हैं 13th का आंसर था ऑप्शन डी, वेल एंड ट्यूबवेल से। 14th क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स अवेलेबल इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, कौन सा मिनरल सबसे लार्ज अमाउंट में नागौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो 14th का आंसर था ए, जिप्सम पाया जाता है सबसे ज्यादा। 15th क्वेश्चन था, हु स्टैब्लिश वीर भारत सभा, वीर भारत सभा 1910 में किसने स्टैब्लिश की गई थी। तो फिर इसका आंसर था डी, केसरी सिंह के द्वारा। 16th क्वेश्चन था, व्हेन वाज यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान गॉट कम्प्लीकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान कब कंप्लीट हुआ था। तो इसका आंसर 16th का जो था ऑप्शन सी है, 1956। कुछ लोगों को लगा होगा 1947, क्योंकि क्या कहते हैं उसका स्टार्टिंग 1947 हुई थी, लेकिन इसमें पूछा गया यूनिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ है, तो 1956 में हुआ है। तो हम लोग अब देखते हैं 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जापान प्रोवाइड्स फंडिंग टू राजस्थान फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट फेज टू, कौन प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर था 17th का आंसर था ऑप्शन ए, जीसा, GICA। 18th, डेजर्ट ट्री प्लांटेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका आंसर था सी, क्या कहते हैं जोधपुर में, सी है आंसर सी। 19, नाल एयरपोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में है नाल एयरपोर्ट। इसका आंसर था बी, बीकानेर में है, बीकानेर।
20 का आंसर, 20 क्वेश्चन था, इंडियन रेलवे एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे सिचुएटेड है? इसका आंसर था कि 20 का ए निवाई में है। 21 क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कैन बी यूज फॉर द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न बीकानेर, कौन सा यूज किया जा सकता है वेस्टर्न बीकानेर के लिए, कौन सा कोड? तो ये ऑप्शन ए आंसर था, 21 का ए, 21 का ए। 22 पागरा इज अ ब्रीड, और पागरा किसकी ब्रीड है? तो ये सी गोट की ब्रीड है। 23 क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मत्स्य सिंह, मत्स्य सिंह का प्राइम मिनिस्टर कौन था? कहते हैं अब बताना है 23 का आंसर। 23 का आंसर था ऑप्शन ए शोभा राम कुमावत। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका आंसर था ऑप्शन सी बैटल ऑफ दीवर, 1682 में नहीं हुई थी वो। 25th द लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर जो बेनेश्वर फेयर जो लगता है मेला, बेनेश्वर का मेला, वो कब लगाया जाता है? वो माघ मास की पूर्णिमा में, ऑप्शन डी 25th का डी था। 26th क्वेश्चन था द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ भूमिज स्टाइल इन राजस्थान कहाँ है? ये उन्देश्वर टेम्पल ऑफ बिजोलिया जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है भूमिजी स्टाइल का। 27 वेयर इज द फेमस महल्स ऑफ डी लोकेटेड, कहाँ पे डी लोकेटेड, जो डी के जो फेमस महल्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? 27th का आंसर था ऑप्शन बी भरतपुर में। 28th क्वेश्चन था क्या कहते हैं कि बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ देवराई फॉट, देवराई किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी? 28th का आंसर था ऑप्शन सी औरंगजेब और दारा के बीच में, औरंगजेब और दारा। 29th था हु वॉज द फाउंडर ऑफ निम्बरकर पीठ एट सलेम बाद, तो किसके बीच में था? ऑप्शन डी परशुराम देव, इसका आंसर था ऑप्शन डी परशुराम देव। 30 वेली किशन रुक्मणी री, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कहते हैं 30 का आंसर था ऑप्शन सी पृथ्वीराज राठौर के द्वारा। 31 था इन विच एरिया राजपूताना एजेंसी कब स्टेब्लिश की गई थी? इसमें डाउट है क्योंकि ये 1817 में इसका आंसर है, कि मेरे हिसाब से 1817 में मैंने कहीं पढ़ा था, 1817 लग रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो शायद ए हो आंसर इसका। अब देखना होगा इसका आंसर क्या आता है। 32 का आंसर था, 32 का इन हाउ मेनी स्टेजेस सिरोही स्टेट वॉज इंटीग्रेटेड इंटू राजस्थान, ऑप्शन ए आंसर था दो स्टेट में, स्टेजेस में। 33 था द शंकर देव कमिटी जो है रिकमेंडेशन वो किस फेज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में था? वो पांचवा था, फिफ्थ डी ऑप्शन। 34th क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट मैच, कौन सा ऑप्शन मैच नहीं करता? तो 34th का आंसर था ऑप्शन सी मान सिंह का, ये 1582 1621 गलत दिया है। 35th हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमारा डायनेस्टी इन आबू, कौन था क्या कहते हैं फाउंडर? ऑप्शन सी धूमराज। 36 क्वेश्चन था विच स्टेटमेंट अबाउट रानी लक्ष्मी कुमारी चंदावत चुंदावत इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर था 36 का, 36 का आंसर ऑप्शन सी था राजस्थान और रत्न अवार्ड वॉज गिवन इन 2013 AD, ये गलत दिया है। 37th क्वेश्चन इन 1679 AD औरंगजेब जो था उन्होंने री इम्पोज किया था जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, एंड इस समय किंग ऑफ मेवाड़ कौन था जिसने अपोज किया था औरंगजेब को? तो वो था आंसर कहते हैं इसका आंसर था ऑप्शन डी राणा अमर सिंह फर्स्ट, राणा अमर सिंह फर्स्ट जो थे उन्होंने अपोज किया था इसको। 38 अरेंज द फॉलोइंग, ये चार चौहान रूलर्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका आंसर डायरेक्ट जानिए 38 का आंसर था ऑप्शन ए 1324, पहले विघाराज फिर उसके बाद पृथ्वीराज उसके बाद सोमेश्वर फिर हरिराज। 39 जोगी महल कहाँ पे सिचुएटेड है किस फोर्ट में? तो क्या कहते हैं 39 का आंसर था ऑप्शन डी रणथंभौर फोर्ट जो है वहाँ पे सिचुएटेड है जोगी महल। 40 क्वेश्चन हु वॉज सेंटेंस टू 6 मंथ इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1938, किन्हें मिला था 6 महीने की सजा? तो इसका आंसर था ऑप्शन ए अंजना चौधरी। तो आज के लिए ये जीएस के क्वेश्चंस थे इस पेपर के, और बाकी इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस आए थे वो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ जीएस पार्ट इसका करेंगे। तो ये थे जीएस के क्वेश्चन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन तो दबा दें, और जितना हो सके उतना इस पेपर क्या कहते हैं वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने आपके साथ वालों ने जिन्होंने पेपर दिया है वो उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।